नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? आज हमारे क्लास में पार्ट 6 सच्चाई, पार्ट 7 सुंदर वन में कंप्यूटर आदि पार्ट के क्लास वर्क को रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट 6 सच्चाई पार्ट का शब्दार्थ देखेंगे। पहला जेलखाना। जेलखाना का मतलब जेल। जेलखाना का मतलब क्या? जेल, कारागार। जेलखाना कारागार, कारागार, कारागार। सेकेंड वन सजा। सजा का मतलब पनिशमेंट। सजा का मतलब क्या? पनिशमेंट, दंड। सजा, सजा का मतलब पनिशमेंट, दंड। द इंट, दंड। सजा, दंड। सजा का मतलब पनिशमेंट, उसका शब्दार्थ हिंदी का अर्थ दंड। नेक्स्ट धन्यवाद। धन्यवाद का मतलब थैंक्स। धन्यवाद का मतलब थैंक्स, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। नेक्स्ट वन कमजोरी। कमजोरी का मतलब वीकनेस। कमजोरी का मतलब वीकनेस, कमजोरी, कमी। कमजोरी, कमी, 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 कमजोरी, कमी, वीकनेस। नेक्स्ट कैदी। कैदी का मतलब प्रिसनर। कैदी, प्रिसनर, कैदी, बंदी, बंदी, बंदी। कैदी, कैदी का मतलब क्या? प्रिसनर, बंदी, बंदी, बंदी। शब्दार्थ को और भी एक बार पढ़ेंगे। जेलखाना कारागार। जेलखाना कारागार। सजा दंड। सजा दंड। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। कमजोरी, कमी। कमजोरी, कमी। कैदी, बंदी। कैदी, बंदी। ठीक है, सेकेंड रोमन सखिया गलत। सेकेंड रोमन क्या? सखिया गलत। दिए गए वाक्यों को सखिया गलत लिखना है। पहला वाक्य, दूसरा कैदी सच बोल रहा था। दूसरा कैदी सच बोल रहा था। ये वाक्य गलत है, क्योंकि दूसरा कैदी भी पहला कैदी को देखकर उसकी तरह दूसरा कैदी भी झूठ ही बोला। ये वाक्य में दूसरा कैदी सच बोल रहा था दिया गया है, इसलिए ये वाक्य गलत है। दूसरा, चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था। ये वाक्य सही या गलत? आप बोलिए, ये वाक्य सही या गलत? करेक्ट, ये वाक्य सही ही है, क्योंकि चौथे कैदी अपनी माँ की जान बचाने के लिए दवाइयाँ की दुकान से दवाई चोरी की, इसलिए उसने अपनी गलती का पछतावा था। ये इसलिए ये वाक्य सही है। ठीक है, थर्ड वन, राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ कर दी। राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ कर दी। राजा गेव फॉरगिव टू द थर्ड प्रिजनर। ये वाक्य सही या गलत? ये वाक्य सही या गलत, आप बोलिए। करेक्ट, ठीक, ये वाक्य गलत है। राजा तीसरे कैदी की सजा माफ
माफ कर दी? नहीं, वो 14 कैदी की सजा को ही माफ कर दी, इसलिए ये वाक्य गलत है। राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ कर दी, ये वाक्य गलत ही है। ये वाक्य गलत ही है। राजा किसको माफ कर दी, किसकी सजा माफ कर दी? 14 कैदी की सजा को ही माफ कर दी, ये वाक्य, इसलिए ये वाक्य गलत ही है। ठीक है, और भी एक बार बोलो। फर्स्ट वन, दूसरा कैदी सच बोल रहा था, ये वाक्य गलत। दूसरा कैदी सच बोल रहा था, ये वाक्य गलत है। 14 कैदी को अपने गलती का पछतावा था, ये वाक्य सही है। तीसरा, राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ कर दी, ये वाक्य गलत। थर्ड रोमन, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलवाया? सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलवाया? सम्राट अशोक किसको बुलवाया? सम्राट अशोक ने अपने पास कैदियों को बुलवाया। उसका उत्तर क्या है? किसको के बदले आपने क्या लिखना है ना, कैदियों, कैदियों, कैदियों को बुलवाया। एक बार पढ़ो, सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलवाया? सम्राट अशोक ने अपने पास कैदियों को बुलवाया। सेकेंड क्वेश्चन, 14 कैदी ने चोरी क्यों की थी? 14 कैदी ने चोरी क्यों की थी? क्यों 14 कैदी चोरी की? अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आपने क्या लिखना चाहिए? अपनी माँ की जान बचाने के लिए 14 कैदी ने चोरी की, वैसा लिखना है। ठीक है, 14 कैदी ने चोरी क्यों की थी? उसका उत्तर, अपनी माँ, माँ की जान, जान बचाने के लिए चोरी की। सम्राट अशोक ने 14 कैदी को क्यों माफ कर दिया? थर्ड क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने 14 कैदी को क्यों माफ कर दिया? उसका उत्तर, क्योंकि वह सच बोला, क्योंकि वह सच बोला। सम्राट अशोक ने 14 कैदी को क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वह सच बोला, क्योंकि वह सच बोला। क्योंकि, क्योंकि वह, या 14 कैदी वैसा भी लिख सकता, क्योंकि वह सच, सा इट सच, बोला, बोला, बोला। सम्राट अशोक ने 14 कैदी को क्यों माफ कर दिया? उसका उत्तर क्या? क्योंकि वह सच बोला। फोर्थ रोमन, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? Who told to whom? किसने किससे कहा? लहर के पुलिस वाले की मुझसे दुश्मनी थी, इसलिए मुझे चोरी की झूठे इल्जाम में जेलखाने में बंद कर दिया। ये वाक्य किसने बोला और किससे बोला? वाक्य क्या है? और भी एक बार पढ़ो। नहर के पुलिस वाले की मुझसे दुश्मनी थी, इसलिए मुझे चोरी की झूठे इल्जाम में जेलखाने में बंद कर दिया। ये वाक्य किसने किससे कहा? इसका उत्तर, दूसरे कैदी ने सम्राट अशोक से कहा। दूसरे कैदी ने सम्राट अशोक से वैसा कहा।
सेकेंड वन, मैंने चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ। ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा? वाक्य को एक बार पढ़िए। मैंने चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ। ये वाक्य किसने कहा? चौदे कैदी ने। किसने कहा? चौदे कैदी ने। किससे कहा? महाराज अशोक से वैसा कहा। चौदे कैदी ने महाराज अशोक से, मैंने चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ, वैसा बोला। इसलिए ये वाक्य चौदे कैदी ने महाराज अशोक से कहा। फिफ्थ रोमन पेज नंबर 42। सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। सही क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट वन, घर में केवल मैं और मेरी माँ डैस। घर में केवल मैं और मेरी माँ रहती हैं। द आंसर इज रहती हैं। घर में केवल मैं और मेरी माँ रहती हैं। सेकेंड वन, महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की डैस। महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की थी। उसका उत्तर क्या? थी। महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की थी। थर्ड वन, एक सेठ के घर चोरी डैस। एक सेठ के घर चोरी हुई थी। उसका आंसर क्या? हुई थी। एक सेठ के घर चोरी हुई थी। फोर्थ वन, उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं डैस। उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। उसका उत्तर क्या है? थे। नेक्स्ट सिक्स्थ रोमन, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। उसका मतलब अंडरलाइन द प्रोनाउन। सर्वनाम का मतलब क्या? प्रोनाउन। संज्ञा का मतलब क्या? नाउन। कना डोंट कंफ्यूज इन द टू। ओके, या संज्ञा का मतलब नाउन। संज्ञा का मतलब नाउन। सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन। माई, वाह, यह, हम, वे, ये, आप, उसका, इसका, किसका, तुमने, तुम्हे, मैंने, किसको, किसे, उसको, उसे, ये शब्द क्या है? ये सभी सर्वनाम है। ये सभी सर्वनाम है। ठीक है, नाउ यू रीड द पैराग्राफ। पिताजी ने हमें समझाते हुए कहा, बच्चों तुम लालच कभी मत करना, क्योंकि लालच तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर उस पैराग्राफ में आने वाले सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है। ये पैराग्राफ में पिताजी, पिताजी संज्ञा है, पिताजी नाउन। ठीक है, हमें, हमें क्या है? हमें ही सर्वनाम है। सर्वनाम हमें, सो यू अंडरलाइन द वर्ड हमें। नेक्स्ट, बच्चों, बच्चा संज्ञा है, सो इसलिए उसे छोड़ दो। तुम, तुम क्या है? तुम सर्वनाम है, सो इसलिए तुमको अंडरलाइन करना चाहिए।
नेक्स्ट तुम है क्या है, तुम है सर्वनाम है, इसलिए तुम है को अंडरलाइन करना है। तुम है परेशानी, परेशानी में डाल सकता है। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये वाक्य में हमें, ये शब्द सर्वनाम है। अंडरस्टैंड, पैराग्राफ को और भी एक बार पढ़ो और सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है। पिताजी ने हमें, हमें ही सर्वनाम समझाते हुए कहा। बच्चों तुम लालच कभी मत करना। ये वाक्य में तुम ही सर्वनाम है, इसलिए तुमको अंडरलाइन करना है। क्योंकि लालच तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। ये वाक्य में तुम है सर्वनाम है। तुम है, इन है, उन है, ये सभी सर्वनाम की है। नेक्स्ट, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। ये वाक्य में हमें, ये सर्वनाम है। आपको सर्वनाम समझ में आया है ना? ठीक है। नेक्स्ट सेवेंथ रोमन, नीचे लिखे वाक्यों को टीक करके लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों को टीक करके लिखिए। रीराइट द फॉलोइंग जंपल्ड सेंटेंसेस करेक्टली। ये रोमन आपके लिए टर्म वन एग्जाम को भी आएगा, इसलिए ये रोमन को अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है। पहला वन, गलती कोई मायने की नहीं थी। ये वाक्य कैसे है? गलती कोई मायने की नहीं थी। ये वाक्य को आप ठीक करके लिखना है। वो ठीक करके लिखेंगे तो ये वाक्य कैसे आएगा ना? मायने कोई गलती नहीं की थी, वैसा लिखना है। गलती कोई मायने की नहीं थी, ये वाक्य ठीक नहीं है। ये वाक्य को कैसे ठीक कर लिखना है ना? मायने कोई गलती नहीं की थी, वैसा लिखना है। सेकेंड वन, बेकसूर हूँ मैं भी। ये वाक्य क्या है? बेकसूर हूँ मैं भी। ये वाक्य को टीक करके कैसा लिखना है ना? मैं भी बेकसूर हूँ, मैं भी बेकसूर हूँ, बेकसूर हूँ मैं भी। ये वाक्य ठीक नहीं है। ये वाक्य को ठीक कर कैसा लिखना है ना? मैं भी बेकसूर हूँ, वैसा लिखना है। आपको समझ में आया है? नीचे लिखे वाक्यों को ठीक कर लिखिए, उसका अर्थ क्या है? रीराइट द फॉलोइंग जंबल्ड सेंटेंस करेक्टली। ये रोमन आपको टर्मिनल एग्जाम को भी आएगा, इसलिए ये रोमन को अच्छी तरह पढ़ो। पहला वन, गलती कोई मायने की नहीं थी। सेकेंड वन, बेकसूर हूँ मैं भी। ये दोनों वाक्यों को कैसे टीक कर लिख, मायने कोई गलती नहीं की थी। सेकेंड वन को कैसा लिखना है? मैं बेकसूर हूँ, वैसा लिखना है। ठीक है। थर्ड वन, पछतावा है अपनी गलती का मुझे। ये वाक्य को ठीक कर लिखना है। वाक्य को पढ़ो, पछतावा है अपनी गलती का मुझे। ये वाक्य को कैसे ठीक कर लिखना? मुझे अपनी गलती का पछतावा है। कैसे टीक कर लिखना है ये वाक्य को? मुझे अपनी गलती का पछतावा है, वैसा लिखना है। ठीक है। और भी एक बार पढ़ो, पछतावा है अपनी गलती का मुझे। उसे कैसा लिखना है? मुझे अपनी गलती का पछतावा है। फोर्थ वन, सच हमें बोलना चाहिए।
वाक्य को पढ़ो, सच हमें बोलना चाहिए। ये वाक्य को कैसे टीक कर लिखना है ना, हमें सच बोलना चाहिए। कैसे लिखना है, हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, और भी एक बार पढ़ो, सच हमें बोलना चाहिए। ये वाक्य को कैसे टीक कर लिखना है, हमें सच बोलना चाहिए। ओके, फिफ्थ वन, मैं रिश्वत ना दे सका नगर पुलिस को। वाक्य को एक बार पढ़ो, मैं रिश्वत ना दे सका नगर पुलिस को। ये वाक्य को कैसे टीकर लिखना है ना, मैं नगर पुलिस को रिश्वत ना दे सका, वैसा लिखना है। ये वाक्य को कैसे टीक कर लिखना, मैं नगर पुलिस को रिश्वत ना दे सका, वैसा लिखना है। आपको समझ में आया, ये रोमन दिए गए वाक्य को आप टीक कर लिखना है। ठीक है, ये रोमन को और भी एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, गलती कोई मैंने की थी। ये वाक्य को कैसा लिखना है ना, मैंने कोई गलती नहीं की थी। सेकेंड वन, बेकसूर हूँ मैं भी बेकसूर हूँ। थर्ड वन, पछतावा है अपनी गलती का मुझे अपनी गलती का पछतावा है। फोर्थ वन, सच हमें बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। फिफ्थ वन, मैं रिश्वत ना दे सका नगर पुलिस को, मैं नगर पुलिस को रिश्वत ना दे सका। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेवन, सुंदर वन में कंप्यूटर। पार्ट सेवन, सुंदर वन में कंप्यूटर पार्ट का अभ्यास देखेंगे। फर्स्ट रोमन, शब्दार्थ लिखिए। पार्ट सेवन, सुंदर वन में कंप्यूटर पार्ट का फर्स्ट रोमन शब्दार्थ। दिलचस्पी का मतलब चौक भी लिख सकता, रुचि भी लिख सकता, दोनों भी लिख सकता। दिलचस्पी शौक या रुचि। दिलचस्पी का मतलब क्या, इंटरेस्ट। उसके लिए शौक भी लिख सकता या रुचि, ये दोनों भी लिख सकता। गुस्सा का मतलब एंगर। गुस्सा का मतलब क्या, एंगर। उसका शब्दार्थ क्रोध। हिंदी मीनिंग क्या है, क्रोध। गुस्सा क्रोध, गुस्सा। गुस्सा के लिए क्रोध, क्रोध। गुस्सा एंगर, उसके लिए हिंदी अर्थ क्रोध। उपकरण का मतलब टूल। उपकरण का मतलब टूल। यंत्र या इंद्र। फोर्थ वन, बुत्तू का मतलब फूल। बुत्तू का मतलब फूल। मूर्ख, बुत्तू के लिए मूर्ख। मूर्ख। फिफ्थ वन, जानकारी का मतलब नॉलेज, ज्ञान। जानकारी ज्ञान, ज्ञान। जानकारी नॉलेज, उसके लिए ज्ञान, ज्ञान। सेकेंड रोमन, विलोम शब्द लिखो, राइट द अपोजिट्स। सेकेंड रोमन क्या, विलोम शब्द। फर्स्ट वन, अच्छाई बुराई। अच्छाई गुड, बुराई बैड। अच्छाई बुराई, अच्छा बुरा,
वैसाही अच्छाई बुराई बुराई बुराई। सेकेंड वन अमीर गरीब अमीर अमीर गरीब अमीर रिच गरीब पुअर। अमीर उसका उल्टे शब्द क्या है विलोम शब्द गरीब गरीब गरीब। थर्ड वन नुकसान फायदा नुकसान नुकसान का मतलब क्या लॉस फायदा प्रॉफिट नुकसान फायदा 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 नुकसान फायदा। फोर्थ वन वीर कायर वीर वीर ब्रेव कायर कॉड का या इर कायर। फिफ्थ वन मूर्ख बुद्धिमान मूर्ख मूर्ख का मतलब फूल उसका उल्टे शब्द बुद्धिमान 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 मूर्ख बुद्धिमान। ठीक है एक बार और भी एक बार पढ़ेंगे। अच्छाई बुराई 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 अमीर गरीब 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 नुकसान फायदा 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 वीर कायर 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 मूर्ख बुद्धिमान मूर्ख बुद्धिमान बुद्धिमान बुद्धिमान। ठीक है नेक्स्ट थर्ड रोमन दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। व्हाट आर द वर्ड्स गिवन चूहा चूहा का मतलब रैट माउस माउस। नेक्स्ट जानकारी जानकारी नॉलेज। नेक्स्ट कंप्यूटर ये शब्दों से दिए गए वाक्यों को वाक्यों की खाली स्थान भरना है। ठीक है फर्स्ट वन दूसरे वनों की तरह सुंदर वन में भी डैश का बोलबाला हो चुका था। फर्स्ट सेंटेंस क्या है दूसरे वनों की तरह सुंदर वन में डैश का बोलबाला हो चुका था। कंप्यूटर का बोलबाला डैश का बोलबाला हो चुका था कंप्यूटर का बोलबाला हो चुका था। ठीक है सेकेंड वन ना जाने कहाँ है यह डैश जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। ना जाने कहाँ है यह चूहा ना जाने कहाँ है यह चूहा जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है थर्ड वन हम बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए इस उपकरण का नाम डैश रखा है। थर्ड वन हम बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए इस उपकरण का नाम माउस रखा है। हम बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए इस उपकरण का नाम माउस रखा है। ठीक है फोर्थ वन मुझे चूहा तो नहीं मिला लेकिन कंप्यूटर की डैश जरूर मिल गई। मुझे चूहा तो नहीं मिला लेकिन कंप्यूटर की जानकारी जरूर मिल गई। मुझे चूहा तो नहीं मिला लेकिन कंप्यूटर की जानकारी जरूर मिल गई।
नेक्स्ट 49 फोर्थ रोमन, नीचे लिखे शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर गोला और संज्ञा शब्दों पर चौकोर बनाइए। सर्कल द प्रोनाउन अंडर रेक्टेंगल फॉर नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से प्रोनाउन शब्दों को सर्कल करना है, संज्ञा शब्दों को रेक्टेंगल ड्रॉ रेक्टेंगल। समझ में आया ना? दिए गए शब्दों को पहले अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, फिर वो शब्द संज्ञा या सर्वनाम समझकर संज्ञा शब्द है तो रेक्टेंगल ड्रा करना है, वो शब्द प्रनाउन सर्वनाम है तो वो शब्द को सर्कल करना चाहिए। ठीक है, पहले दिए गए शब्दों को ध्यान में पढ़िए। बिन्नी, वह, बंदर, इसका, ये चार शब्दों में संज्ञा शब्द क्या क्या है, सर्वनाम शब्द क्या क्या है। बिन्नी, बिन्नी नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ एनिमल, नेम ऑफ अ कैट, सो यह संज्ञा है, बिन्नी संज्ञा है। ठीक है, वह, वह प्रनाउन है, वह प्रनाउन है, सो वह सर्वनाम है। बंदर, बंदर मंकी, नेम ऑफ अ एनिमल, यह संज्ञा है। इसका, ये प्रनाउन है, सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट उनके, उनके सर्वनाम है। साइफर कैफे, ये नेम है, इसलिए साइफर कैफे संज्ञा नाउन। यह, यह सर्वनाम प्रनाउन है। जंगल, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस, सो जंगल संज्ञा नाउन। नेक्स्ट चूहा, चूहा नेम ऑफ अ एनिमल, यह संज्ञा नाउन। उसने, यह सर्वनाम, उसने, उसने सर्वनाम प्रनाउन है। तुम्हारा, ये भी प्रनाउन ही है, सर्वनाम। घर, घर नेम ऑफ अ प्लेस, ये संज्ञा है नाउन। बंडू, ये नेम ऑफ अ पर्सन, बंडू, ये भी संज्ञा है। इसने, इसने प्रनाउन, इसने सर्वनाम है। कंप्यूटर, नेम ऑफ अ थिंग्स, कंप्यूटर, यह संज्ञा है, कंप्यूटर संज्ञा है। नेक्स्ट तुम है, ये प्रनाउन है, तुम है प्रनाउन सर्वनाम है। आप इसको सर्कल और रेक्टेंगल करेंगे। ये रोमन भी आपके, इसलिए ये रोमन को अच्छी तरह पढ़ो। बिन्नी संज्ञा, इसलिए रेक्टेंगल ड्रा करना है। बिन्नी नेम ऑफ अ पर्सन नाउन संज्ञा। वह, वह सर्वनाम, इसलिए उसे सर्कल करना है। बंदर नेम ऑफ अ एनिमल, इसलिए रेक्टेंगल ड्रा करना। इसका, इसका प्रोनाउन सर्वले सर्कल करना। उन्हे, ये भी प्रोनाउन सर्वनाम सर्कल करना है। साइफर कैफे, नेम ऑफ अ प्लेस,
सो संज्ञा रेक्टेंगल ड्रा करना, यह प्रोनाउन सर्वनाम सर्कल करना, जंगल नेम ऑफ अ प्लेस, संज्ञा रेक्टेंगल ड्रा करना, चूहा नेम ऑफ अ एनिमल रेक्टेंगल ड्रा करना, उसने प्रोनाउन सर्वनाम सर्कल करना, तुम्हारा सर्वनाम सर्कल करना, घर नेम ऑफ अ प्लेस, संज्ञा रेक्टेंगल ड्रा करना है, बंडू नेम ऑफ अ पर्सन, इसलिए संज्ञा रेक्टेंगल ड्रा करना है, इसने प्रोनाउन सर्कल करना है, कंप्यूटर नेम ऑफ अ थिंग्स, संज्ञा रेक्टेंगल ड्रा करना है, तुम है प्रोनाउन, इसलिए इसे सर्कल करना है। ये रोमन को अच्छी तरह पढ़ो, ये रोमन समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट रोमन। नीचे लिखे शब्दों में इद प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय का मतलब सफिक्स, प्रत्यय का मतलब क्या? सफिक्स। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स कोई भी शब्द होगा, इत ई कोई भी शब्द आएगा, आप वो प्रत्यय छोड़कर नए शब्द बनाना चाहिए। ये रोमन भी आपके टर्मिनल एग्जाम के लिए हैं, इसलिए ये रोमन को भी अच्छी तरह पढ़ना। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स। वो शब्द कोई भी आएगा, इत भी आएगा, आ भी आएगा, ई भी आएगा, कोई भी शब्द आएगा, ठीक है। सुहंत प्लस इत, सुहंत उसका प्रत्यय क्या? इत। सुहंत प्लस इत, सुहंतित, सु ग इन दी इत, ई ई के लिए हमने ई को द, इत प्लस ई दी वैसा लिखना है, इत प्लस ई दी, सुहंदित, ठीक है वैसा। सम्मान प्लस ई, सम्मान प्लस इत, इन प्लस ई नी, इसलिए सम्मान प्लस इत, सम्मानित, सा इम मा नी इत, इन प्लस ई कैसा लिखना है? नी, ठीक है, सम्मानित। अपमान प्लस इत, अपमानित, ये भी इन प्लस ई नी, अपमान प्लस इत, अपमानित, इन प्लस ई नी, अपमानित, अपमानित। आनंद प्लस इत, इत प्लस ई ती, आनंदित, आनंद प्लस इत, आनंदित, 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 ठीक है। यू मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। वो सफिक्स शब्द कोई भी शब्द आएगा, अगर इत दिया वैसा आ भी आएगा, ता भी आएगा, ई भी आएगा, उसका अनुसार आप सफिक्स छोड़कर वो शब्द को लिखना है। सुगंध प्लस इत, सुगंधित, सम्मान प्लस इत, सम्मानित, अपमान प्लस इत, अपमानित, आनंद प्लस इत, आनंदित, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, वन में क्या सीखने की होड सी लगी थी? वन में क्या सीखने की होड सी लगी थी? क्या सीखने की होड सी लगी थी? हाँ, करेक्ट, कंप्यूटर, ठीक है। वन में कंप्यूटर सीखने की होड सी लगी थी। क्या के बदले आप क्या लिखना है ना? कंप्यूटर, का इम इप यू टा इर, कंप्यूटर। वन में क्या सीखने की होड सी लगी थी? उत्तर
वन में कंप्यूटर सीखने की हॉट सी लगी थी। वन में कंप्यूटर का इम इप यू टा एर कंप्यूटर सीखने की हॉट सी लगी थी। सेकेंड वन बिन्नी बिल्ली किसके लालच में साइफर कैफे गई। बिन्नी बिल्ली किसके लालच में साइफर कैफे गई। किसके लालच में बिन्नी बिल्ली साइफर कैफे में गई। बिन्नी बिल्ली चूहे पकड़ने के लालच में। किसके लालच में साइफर कैफे गई। चूहे क्योंकि वो बंदर माउस बोलना का मतलब बिन्नी बिल्ली क्या समझ गया। माउस का मतलब चूहा, इसलिए बिन्नी बिल्ली चूहे पकड़ने के लालच में साइफर कैफे गई। बिन्नी बिल्ली किसके लालच में साइफर कैफे गई। इसका उत्तर बिन्नी बिल्ली चूहे पकड़ने। चूहे पकड़ने चूहे पकड़ने के लालच में साइफर कैफे गई। बिन्नी बिल्ली चूहे पकड़ने के लालच में साइफर कैफे गई। थर्ड वन बिन्नी ने कंप्यूटर पर क्या क्या सीखा। बिन्नी ने कंप्यूटर पर क्या क्या सीखा। बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से जरूरी जानकारी ढूंढना आदि सीख लिया। बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, चैटिंग करना, इंटरनेट से जरूरी जानकारी ढूंढना आदि सीख लिया। बिन्नी ने कंप्यूटर पर क्या क्या सीखा। बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से जरूरी जानकारी ढूंढना आदि सीख लिया। दिवाली के बारे में पांच वाक्य लिखिए। ये रोमन भी आपके टर्मिनल एग्जाम के लिए हैं। क्या है? अनुचित लेखन, एसे राइटिंग। दिवाली के बारे में पांच वाक्य लिखिए। दिवाली या छुट्टी मांगते हुए तुम्हारे अध्यापक को एक पत्र लिखिए। ये दोनों में से एक लिखना है। पहले दिवाली ऐसे को देखेंगे। दिवाली के बारे में लिखिए। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। इट इज़ वन ऑफ द हिंदूज फेस्टिवल। दिवाली के दिन लोग बड़े सवेरे उठते हैं। दिवाली के दिन लोग बड़े सवेरे उठते हैं। दिवाली के दिन लोग बड़े सवेरे उठते हैं। तेल लगाकर स्नान करते हैं। तेल लगाकर स्नान करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं। पटाखे छोड़ते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है,
दिवाली के बारे में लिखिए। ये ऐसे के लिए दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। दिवाली के दिन लोग बड़े सवेरे उठते हैं, तेल लगाकर स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। चुट्टी पत्र। छुट्टी मांगते हुए अपने अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। छुट्टी मांगते हुए अपने अध्यापक के नाम पर एक पत्र लिखिए। पहले नामकल, उसके बाद डेट। जिस दिन में तू चिट्ठी लिखते हैं उस दिन का तारीख लिखना है। पहले नामकल, उसके नीचे तारीख, उसके बाद इधर प्रेषक। प्रेषक का मतलब फ्रॉम एड्रेस। प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक लिखकर उसके नीचे तुम्हारा नाम लिखना है। तुम्हारा नाम, प्रेषक का मतलब फ्रॉम एड्रेस, उसके नीचे तुम्हारा नाम। उसके बाद चारवीं कक्षा, चारवीं कक्षा कमा ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल, ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल नामक्कल, ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल नामक्कल। बोलो नामक्कल, उसके नीचे तारीख, डेट, उसके बाद प्रेषक। प्रेषक का मतलब फ्रॉम एड्रेस, तुम्हारा नाम, चारवीं कक्षा, ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल नामक्कल। ठीक है, प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या? फ्रॉम एड्रेस। प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक का मतलब फ्रॉम एड्रेस। योर नेम, चारवीं कक्षा, ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल नामक्कल। उसके नीचे सेवा में। सेवा में का मतलब टू एड्रेस। सेवा में, सेवा में का मतलब क्या? टू एड्रेस। सेवा में अध्यापक जी, ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल नामक्कल। सेवा में, सेवा में का मतलब क्या? टू एड्रेस। अध्यापक जी, आ इत या पा इक, अध्यापक जी, ट्रिनिटी सीबीएसई स्कूल नामक्कल। नेक्स्ट पूज्य अध्यापक जी, रिस्पेक्टेड सर, नमस्ते। मुझे दो दिन से पुकार है। मुझे दो दिन से पुकार, पुकार का मतलब फीवर, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे आज और कल दो दिनों की छुट्टी दीजिए। धन्यवाद। क्या लिखना है? पूज्य अध्यापक जी, रेस्पेक्टेड सर, नमस्ते। मुझे दो दिन से पुकार है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे आज, आज का तारीख और कल, कल का तारीख, दोनों तारीखों को लिखना, दो दिनों की छुट्टी दीजिए। धन्यवाद जी। फिर आपका विनम्र छात्र। उसके बाद आपका विनम्र छात्र, यूवर्स ओबीडियंटली, उसके नीचे तुम्हारा नाम लिखना है। आपका विनम्र छात्र, विनम्र छात्र का मतलब क्या? यूवर्स ओबीडियंट स्टूडेंट, उसके नीचे तुम्हारा नाम लिखना है। यही छुट्टी पत्र है। तुम्हारे एग्जाम के लिए दिवाली ऐसे भी आएगा, ये छुट्टी पत्र ये भी आएगा। दोनों को अच्छी तरह पढ़ो। दोनों में से आप एक ही लिखना चाहिए। दिवाली या यू राइट दिवाली और छुट्टी पत्र। ठीक है।